गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सीरम के बारे में, जो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मेरे पास है रोज़ हिप का ऑयल। अब आप ये सोचेंगे रोज़ हिप यानी कि रोज़ का मतलब रोज़ हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, तो रोज़ हिप ऑयल है क्या सीरम? तो सीरम होता है आपके फेस पे, हम लगाते हैं इसको। ये बहुत नॉन स्टिकी होता है, ये कोई तेल बेस नहीं होता, स्किन के लिए काफ़ी स्किन फ्रेंडली होता है, काफ़ी स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉन स्टिकी होता है, जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लोज़ करता है, उनको क्लॉक करता है। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों के चेहरे पर बहुत बड़े बड़े भद्दे गड्ढे होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होने के कारण सभी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है। तो चलो, ये आज मैं इसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे रोज़ आपका जो सीरम है इसमें क्या होता है। गुलाब, आपको पता है गुलाब जो होते हैं वो फेस के लिए कितने बेनिफिट होते हैं, एंटी एजिंग, एंटी सेप्टिक, एंटी ऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो ये उसके बीजों से बना हुआ होता है रोज़ हिप सीरम। तो सबसे बड़ी बात है, ये अल्कोहल फ्री होता है। इसमें कोई, आप भी जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, वो सबसे पहले आप ये देखें कि वो सल्फेट फ्री हो और आपका अल्कोहल फ्री हो, क्योंकि इससे क्या होता है, जो अल्कोहल फ्री जितने भी होते हैं आपके प्रोडक्ट, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा रखते हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मॉइस्चराइज़र और सीरम में क्या डिफरेंट होता है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। जो सीरम होता है वो बहुत छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे बनाया जाता है, जबकि जो मॉइस्चराइज़र होता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बनाया जाता है, तभी तो उनकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। ये मेरे पास गुड वाइब्स का है। आप देखोगे मार्केट में काफ़ी कॉस्टली आजकल लैक्मे के सीरम आते हैं, जो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये रोज़ हिप गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। तो ये इस पैकेजिंग में आता है, इसके साथ एक ड्रॉपर आता है। जब आप इस पैकिंग को खोलेंगे तो इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये। और ये क्या है इसका, मैं आपको उसका रिव्यू दिखाती हूँ, आपको कैसे स्किन में लगाना है। लुक, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। तो आपको 2-3 ड्रॉप लेना है, अपनी फेस पे लगाना है। मैं आपको उसका रिव्यू, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इतना ग्लोई है, इतना प्लम्पी है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा बिल्कुल, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, फ्रेग्रेंस एकदम बढ़िया। इसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स किसी भी एज में आप इसको 16 साल के बाद आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो गया है, आप मेरे हाथ पे डिफरेंट देख सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंट, इतनी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है, आपकी स्किन इतनी प्लम भी हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है, ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप फाउंडेशन लगाते हो केकी ना लगे, तो आप इसको पहले अच्छी तरह लगा सकते हो अपने फेस पे, उसके बाद आप फाउंडेशन की लेयर अच्छे से लगा सकते हो, वो एक अलग ही शाइन आपको देगा। एंड जिसको रात में आप लगाए CTM करने के बाद, यानी कि CTM आपको पता ही है, क्लेंजिंग टोनर और मॉइस्चराइजिंग के साथ बाद आप अच्छे से इतना मेहनत करते हो, तो इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से फेस वॉश करके बाद में इसको आराम से रात को लगा सकते हैं, क्योंकि रात को हमारी स्किन सांस लेती है, तो रात के लिए बेस्ट होता है। अगर आप ये प्रोडक्ट जितने भी मैं आपको बताती हूँ, नाइट लोशन वगैरह, आप चाहें तो इसे नाइट लोशन में एक ड्रॉप डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन काफ़ी रेडियंट लगेगी, आप खुद ही इफेक्ट देखोगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक ज़रूर ट्राई करें, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता। अगर आप लैक्मे वगैरह का, इसकी देखो मैं दिखाती हूँ, ये 215 का है, 215 रुपये का पड़ता है ये आपको, और बहुत बजट फ्रेंडली है। ये 10 ml में आता है, इसके साथ एक ड्रॉपर भी आता है। इसको क्या करना है आपको, ये मेंटेन करता है आपकी pH, स्किन का इलास्टिसिटी को, स्मूथनेस बनाता है, फेस की इलास्टिसिटी को ठीक रखता है, आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन को ठीक करता है, जो आपका स्किन पे डलनेस हो गया है, डार्क सर्कल हो गया है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आपको फिंगर टिप से आपको यूज़ करना है, जैसे आप लगा रहे हो उसको फेस पे, तो आपको ऐसे ऐसे करके अपनी स्किन पे मसाज करने से क्या होता है, जितना भी सीरम होता है या कोई भी क्रीम होती है, वो आपकी स्किन पे अच्छे से अंदर चली जाती है। तो थोड़ा थोड़ा आप डैप 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 कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर तक वो जाएगा और स्किन को ओपन करेगा, अंदर से वो सांस लेगी स्किन। जब तक हमारी स्किन सांस नहीं लेगी तब तक ये एंटी, तब तक वो कोई भी वर्क नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को एक्जिमा होता है उन लोगों के लिए भी वरदान है। तो मतलब मैं ये, आप एक बॉटल ज़रूर ट्राई करें अगर आपको ट्राई करना है, अदरवाइज़ तो मैं तो यही, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं मैंने उनको ये दिया है, उनका रिज़ल्ट अमेजिंग आया है। वो मतलब तारीफ़ करते कि हाँ यार, हम 800 से 1600 रुपये का हम सीरम यूज़ कर रहे थे, बट ये एकदम बजट फ्रेंडली बेस्ट सीरम है।
तो ये था आज मेरा रिव्यू। अगर इसके आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी कुछ इसके बारे में पूछना हो तो आप मुझसे बता सकते हैं, और मैं कुछ और आपको फेस सीरम के बारे में बताऊंगी। आपको पता ही है आजकल रोज़ सीरम के बारे में काफ़ी चल रहा है, सीरम वगैरह, फेस सीरम जो बहुत ज़्यादा लैक्मे का आता है आपका, लॉरियल का आता है। और तो बस यही था मेरा जिसका रिव्यू देने का। तो गाइज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो आराम से, बहुत अच्छा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये था आज का मेरा वीडियो, इसको बॉयज़ गर्ल्स कोई भी यूज़ कर सकता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।